कोटि प्रणाम प्रभु जी, और तहे दिल से धन्यवाद आपका। और मैं जब से आई हूँ सुकन्या केयर में, हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे लिए तो चमत्कार ही होता है, और ऐसा हमेशा फील होता है, मुझे महसूस होता है कि माता जी मेरी हर बात सुन रही हैं और मेरे साथ हैं, और हर रोज़ मेरे दिए में फूल बनता है और मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी करती हूँ दिए में फूल का, और बार बार देखती रहती हूँ, बार बार फ़ोटो भी खींचती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब से आया है बैनर, मैं जब से यहाँ जुड़ी हूँ, मैं मतलब अब तक मैं कभी बीमार मतलब नहीं पड़ी हूँ, ना कभी मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ, ना मेरे बच्चों को, और ये ठंडी भी बीत गई इस बार की, ना मेरे बच्चों को ठंडी लगी, ना मुझे लगा, ना सर्दी जुकाम, मतलब कोई हुआ ही नहीं बीमारी। छोटा वाला बच्चा एक बार था मतलब बीमार हुआ, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, सिर्फ एनआरएनजी मतलब लगाने स्पर्श मात्र से ही, मैं बोलूँगी प्रभु वो चमत्कार ही था मेरे लिए, स्पर्श मात्र से ही मेरा बच्चा तुरंत जैसे ठीक हो गया। माता जी को जैसे धन्यवाद की मैंने और बच्चे को देखा, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, तो मेरे लिए वो चमत्कार ही था, वो एनआरएनजी माता जी का प्रसाद, जो कि सच में मतलब मानिए तो जैसे ये माता जी हैं, और बच्चा मेरा यही मतलब लेटा हुआ था, स्पर्श मात्र से ही मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो और बड़े बेटे को एक दिन सर में हुआ था दर्द, उसको लगाई, उसको मतलब लगाते ही ठीक हो गया, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तक में मैंने जिसको जिसको माता जी का प्रसाद दिया है, अपनी दो भतीजियों को दी थी, एक को लिकोरिया थी वो ठीक हो गया, एक को मतलब इस टाइम पे मतलब जो आती थी एमसी, तो उस टाइम पे उसको उल्टी होती थी, बहुत दर्द होता था, बुखार होता था, वो सब भी उसको आराम हो गया। और मेरी चाची थी, उनको मैंने दिया था, उनका मतलब अच्छे से नहीं आता था पीरियड, एक महीने में 3 से 4 बार आता था, वो भी ठीक हो गया, मतलब काफ़ी लोगों को बहुत ही आराम हुआ, 1 से 2 लोगों को माँ का भी सुख मिला जैसे एक ही पाउच में, तो काफ़ी लोगों को बहुत आराम मिला। तो तेरे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम माता कामाख्या और पशुपतिनाथ जी को, कोटि कोटि प्रणाम, और तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।